तो मैं सोच रही हूँ कि इस रूम की थोड़ा सा सेटिंग करवाई जाए, तो थोड़ा सा बहस हो रही है कि किस तरह की सेटिंग हो। बस हम क्लब के विलेज के हिसाब से सिंपल सादा सेटिंग। तो अम्मी माशाल्लाह से चाय बना रही है। क्या बताएं, हम तीन बज चुके हैं, बज चाय का टाइम हो चुका है हमारे दोपहर की चाय का। सुबह के बाद एक चाय बनाते हैं 10 बजे, उसके बाद फिर 3 बजे बस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ लेट हो गया क्योंकि फरहान जो है वो गया हुआ था मस्जिद में, इनको छुट्टी भी अब लेट होती है, तो इस वजह से फिर देर से स्कूल से वापस आते हैं। तो अभी मस्जिद से वापस आ चुका है और टाइम तकरीबन 4 बजने वाले हैं। तो चाय जो है वो हमारी ठंडी हो गई थी तो दोबारा गर्म की है, और अभी फरहान और मैं चल के अंदर चाय और बिस्किट जो है वो खाते हैं, तो आप लोग इसे शेयर करेंगे। और आज के व्लॉग बहुत ही ख़ास है, तो आज के व्लॉग आप लोग ने फुल वॉच करना है, और चारों तरफ आप लोग आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं गंदम की फसल तो काफ़ी हद तक मतलब कि कटाई हो रही है, और पीछे जो भूसा बनाने वाली मशीन होती है वो भी लगी हुई है। अभी हमारी गंदम जो है वो भी, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले करें। मौसम भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, सुबह से मौसम वैसे बादल हैं, छांव है, हल्की हल्की हवा भी चली हुई है। तो चलते हैं अंदर रूम में, तो वीडियो के साथ आप लोग ने जुड़े रहें। तो अभी जो है अम्मी बिस्किट लेकर आ गई हैं और हम रूम में पहुँचे हैं। आज क्या बात है, पंखे की हवा चली है ना, बहुत ही ठंडी हवा है, तो पहले हमने इसे बंद रखा है, मुख्य आते ना कुछ जला दिए। अंदर तो लग गया, मैं घंटा बैठी रही हूँ, थोड़ा बहुत भूख लगी थी, स्कूल जाए कम नहीं कर पा रहे। तो अभी जो है हमें बैठी हुई है, फरहान इतना शौक है, फरहान ने कहते हैं बहुत बुआ है, मैं ना थ्रेशर लगी है, इतना शौक है देखने का इसका। मैंने कहा चले चले जाए, हम मुझे अभी घर पे हैं तो खास करके जहाँ पे आ गए हैं, तो अभी जो मैंने उनसे कहा है कि आप थोड़ा सा ठीक बना लें। तो हमारी बहस बस कल परसों से इसी बात पर हो रही है कि क्योंकि हम इस रूम में रहते हैं तो कोई मेहमान वगैरह तो वो भी इसी रूम में आके बैठते हैं, और वीडियोस वगैरह भी हमारे इसी रूम में होते हैं टिकटॉक पे भी। तो मैं सोच रही हूँ कि इस रूम की थोड़ा सा सेटिंग करवाई जाए, तो थोड़ा सा बहस हो रही है कि किस तरह की सेटिंग हो। बस हम क्लब के विलेज के हिसाब से सिंपल सादा सेटिंग करवाना चाहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कल हमने इनके कपड़े पहले धोए हैं, तो इनके कपड़े मैंने अमित से कहा है कि जो बेटियों के हैं ये चेंज करने हैं, सड़क पर वीडियो देख सकते हैं कपड़े, और वहाँ पे जो सारा सामान था वो मैंने साफ कर दिया है। आप लोगों को पता है देखिए वहाँ पे बिल्कुल साफ जगह है, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि जो गमले मिलते हैं ना जिनमें मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर वाले पौधे होते हैं वो लगा, वो दो तीन रख देंगे, सलाब पे कपड़ा होगा, और ये जो आपको ये नज़र आ रही है विंडो, यहाँ पे एक पर्दा लगवा दें, और रूम का थोड़ा सा मतलब ये वाइट है ना ये दोबारा से कलर करवा दें, तो ये हमारा रूम जो है बहुत ही अच्छा बन जाएगा, और एक सोफा सेट भी ले सकते हैं हम। तो ये जो चारपाई हैं इन पर भी हम कपड़े बिछा दें, तो इस तरह की डेकोरेशन। तो यही आप लोगों से बस मशवरा करना था, अगर आप लोग तो हमारे ये विलेज की डेकोरेशन थोड़ा सा चेंजिंग या डिफरेंस कोई और चीज़ तो आप लोग लाजमी कमेंट में बता सकते हैं। वैसे भी अक्सर मेरे टिकटॉक पे काफ़ी कमेंट आए होते हैं कि आप इस रूम की डेकोरेशन करें, इस वजह से ही मुझे जो है ये अब मसला जो है अपनी फैमिली से वैसे सी बात करने के ज़रूर करनी है। यूट्यूब पर मुझे कभी नहीं आए कमेंट, ताकि टिकटॉक पर जब मैं लाइव होती ना तो वीडियोज़ वगैरह बनाते तो अक्सर कमेंट आते हैं। तो ये मैंने सोचा कि इस ईद से पहले ये ईद के बाद जैसे भी मतलब ये सेटिंग भी हमने करवानी है, तो बस आप लोग से यही मशवरा लेना था। और अभी चलते हैं आप लोगों को बाहर गंदम की फसल दिखाते हैं, और वहाँ जो मौसम आप लोगों को दिखाना है। पिछली दफ़ा जब बारिश हुई है वहाँ बहुत ज़्यादा डर लगा है हमें, तो उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद जो मतलब के शुरू हुए हैं ना ये घर चंबल तो बहुत ज़्यादा थे, तब वीडियोस भी नहीं बना आप थे, तो डर गए थे, आप इलाके पते मार दिए, काफ़ी मतलब के नुकसान हुए। तो सब दुआ करें कि अल्लाह ताला जो रहमत की बारिश बरसा, दोबारा से बता रहे हैं बारिश का, कह रहे हैं कि दोबारा से वैसे शुरू होगी, जी जी खान में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो काफ़ी कह रहे हैं नुकसान हुआ है, हमारे इलाके में तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बाहर और इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए और नुकसान से बचाए।
तो माशाल्लाह से जानवर जो हैं तीन हमारे बच गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये भैंस है और दरमियान में कट्टा है और उसके लास्ट में कट्टी। तो अभी जो है इनको घास डाल दिया, दोबारा से अब घास काटने चले गए हैं, धूप निकल आई है। अब सारा दिन तो बादल गुजरते रहे हैं, अभी कुछ साफ हो रहा है मौसम काफी हद तक। तो अम्मी क्या कर रही हैं? मक्खी भी मौसम में तो ये प्लास्टिक की होती है ना, तो ये हमें वैसे भी तो सर्फ डाल के इनको जो है धो लिया। फिर वैसे अम्मी के मतलब जहेज में जो थी छाबियां वो अभी तक पड़ी हमने नहीं निकाली, फिर प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं। एक भांड है, एक अच्छा बाग देसी है, काले तो मान दे छबे होने हैं। हुण दा काय नी रिवाज हुंदा, अभी तो हुण दा इना प्लाक छबे आ गए, छबे आ गए दे बर्तन आ गए दे, ये आ गए, हर चीज अब चेंज हो गई है। ये रुमाल भी देख सकते हैं, जाले थी भी वो देखें, बिल्ली बिल्ली दिखाऊं मैं आप लोगों को। ये देखें बिल्ली, देख सकते हैं बाहर का मौसम आप लोग। और वैसे मैं कह रही थी कि हम जो है वो लगवाएंगे, हाथ से काटेंगे, लेकिन थ्रेशर जो है वो आ चुकी है क्योंकि गंदम इस दफा गिरी नहीं है, तो अल्लाह का करम हुआ है। थ्रेशर ये देखें चाचू की जमीन में लग रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर सबकी लगेगी। तो इकट्ठी जब मतलब बांध देंगे ना, फिर हम जो है करेंगे। ये वो लगी है, रेपर है, थ्रेशर बाद में लगेगी, इतनी नाम ही भूल रही हूँ, बाद में फिर लगाएंगे थ्रेशर। फिर हाथ से नहीं काटी क्योंकि गिरी नहीं है गंदम। मौसम खराब है काफी, जल्दी जल्दी कपवा दे। फरहान अभी मोबाइल देख रहा है, अभी है गल रो दख रहा है, यानी के बाहर जाता है वो, उस टाइम एक कार्टून देखते ना उस वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। ये मोबाइल के पीछे रो दख रहा है, ये क्यों? मैंने कह रो रहा है, रोने लग गया, चिड़चिड़ा क्यों हुआ खड़ा है वो मोबाइल की वजह से। मैंने कहा चलो देख लो एक कार्टून देखते हैं। वाह भैया कौन आया हुआ है? फरहान तो चेयर पे बैठा है और ये देखें मोबाइल कार्टून देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसी वजह से रो रहे थे। और ये बताओ स्कूल कैसा रहा है? नई बुक्स मिली है तो कैसा जा रही है 4 क्लास अब? और मस्जिद भी गया है, अभी आया है, अब तो वैसे मतलब ज़्यादा खेलते भी नहीं है, इनकी खेलने बंद हो गई है मस्जिद जब से गई है ना, तो कार्टून वगैरह एक देख लेता है। तो जब से मैं ये देखे रूम को देखते ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी सेटिंग ज़रूर करवानी है, और करवाएंगे इंशाल्लाह। बंद कर पुराना भी बंद करो, फिर कॉपीराइट लग जाएगा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा, अगर वीडियो व्लॉग अच्छा लगा तो फुल वॉच करना, लाइक करना, वीडियो कैसे मिलते अपने तमाम प्यार बहन भाई के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला सब लोग को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा, पता नहीं कब तक बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।